स्कूल, टीचर्स और हमारी भावनिकता, पढ़ाई में जरा भी रुचि न होने वाला, हमेशा खेल की ओर ध्यान देने वाला, कुछ न कुछ शरारतों से टीचर्स को परेशान करने वाला एक बदमाश कैटेगरी का स्टूडेंट, ऐसी मेरी स्कूल के दिनों में प्रतिमा थी। टीचर्स से हमेशा पिटाई होती थी। जब पीटने से थक जाते थे तब उनकी डांट सुनता था। इसके अलावा स्कूल बंक करना तो मेरे लिए एक आम बात थी। इसके बावजूद मुझे अपने स्कूल के प्रति और वो पीटने वाले टीचर्स के प्रति एक अपनापन का एहसास था। क्यों पता नहीं, 11 से 5 ये स्कूल का टाइमिंग हुआ करता था। हम सब दोस्त 10 बजने से पहले ही खेलने के लिए स्कूल के ग्राउंड पर दाखिल हो जाते थे। क्रिकेट खेलते वक्त सबकी स्कूल बैग्स का ढेर हमारे स्टम्प्स बन जाता था। फुटबॉल खेलते वक्त वही ढेर गोल करने की जगह को डिफाइन करता था। स्कूल से छुट्टी होने के बाद कभी दौड़ते दौड़ते घर आया हूँ ऐसा तो मेरे स्मृति पटल में है ही नहीं। स्कूल से छुट्टी की उम्मीद सिर्फ इसलिए होती थी कि जल्दी खेलने को मिले। स्कूल की छुट्टी बहुत बार हम सह नहीं पाते थे। कभी तेज बुखार भी हुआ तो भी स्कूल जाने का मन करता था। दिवाली और मई की छुट्टी तो संकट के भांति महसूस होती थी। स्कूल में जरूरी सुविधाओं का अभाव, लगभग सभी टीचर्स पीटने वाले होने के पश्चात भी हमें स्कूल को कभी छुट्टी ही ना हो ऐसा ही मन में लगता था। बस यही थी वो भावनिक लगन, क्योंकि सभी टीचरों ने सिर्फ तनख्वाह के लिए शिक्षकत्व का स्वीकार नहीं किया था। उस जमाने में स्कूल की दीवारें प्रार्थना और समर गीतों से गूंज उठती थी। ये बात तो पक्की थी कि कुछ अजीब से सकारात्मक कंपन की अनुभूति मिलती थी स्कूल में। आज स्कूल की दीवारों से डोनेशंस और भ्रष्टाचार की बू आती है। राजकारण, गुंडागर्दी, ज्यादातर टीचरों का सिर्फ तनख्वाह के लिए काम से संलग्न रहना, यह सब देखकर मन दुखी हो जाता है। टीचर और स्टूडेंट्स का एक दूसरे के प्रति लगाव का अंदाजा सिर्फ उनकी देह बोली से ही आ जाता है, लेकिन इसका इल्जाम सिर्फ बच्चों पर किया जा रहा है, जो कि गलत है। वास्तविकता में इस बात पर गौर करना जरूरी है कि हम विद्यार्थियों का निर्माण कर रहे हैं या परीक्षार्थियों का। पढ़ाई के माध्यम से अच्छे इंसान का निर्माण होना जरूरी है, ना कि सिर्फ अच्छे नागरिक का।